हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने लागते भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन हिते काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति चाहिए क्या? मुक्ति चाहिए वो तो उसके मार्ग की बात करें। किसको चाहिए मुक्ति? मुक्ति की चर्चा चलती है तो बस लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन जाना किसको है? मोक्ष जाएंगे तो फिर वहाँ घर गृहस्थी नहीं होगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर परिवार वाले नहीं रहेंगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो बाहरी संयोग साधन नहीं रहेंगे, वहाँ न टीवी रहेगी न गाड़ी वाड़ी रहेगी न मोबाइल होगा। मुक्ति अवस्था में वहाँ फिर कोई आपस में बात करने वाला भी नहीं होगा। चाहिए आपको ऐसी मुक्ति जहाँ कोई बात करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, घूमने घूमने फिरने की फैसिलिटी नहीं होगी। और फिर ये भी माइनस पॉइंट दिखता है कि एक बार चले गए तो वापस बैक उस पर आने की भी पोजीशन नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कहीं वहाँ जाकर फंस जाएं हम, नहीं भाई ऐसा नहीं है। मुक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए यहाँ कहा मुक्त स्वतंत्रता स्वाधीनता परम आनंद अतिंद्रिय आनंद अद्भुत और अपूर्व आनंद सादी अनंत काल के लिए ऐसे आनंद का उपभोग जिस आनंद में उकताहट नहीं हो ऊबे नहीं जहाँ आकुलता नहीं है पूर्ण निराकुलता 100% सुख और बाकी उसको छोड़कर बाकी दुनिया में कहीं भी चले जाओ कहीं शांति नहीं। ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को हमें पहचानना पड़ेगा क्योंकि ये बातें जिनके माध्यम से कही गई है ये वीतरागी संत हैं। ये बातें जहाँ से चली है उन्होंने स्वयं अनंत सुख का उपभोग किया है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे अरहंत परमात्माओं की वाणी में उस परम मुक्ति की चर्चा आई है। पर मैं तो ये कहता हूँ कि आप उनके कहे अनुसार मत मानो। क्या बात कह रहे हो? तीर्थंकरों की नहीं माने, मुनिराजों की नहीं माने, शास्त्रों की नहीं माने? हाँ हाँ, अनुभव करके मानो, फील करके स्वीकार करो, सच सच बतलाओ आपके दुख का कारण क्या है। क्या पैसे की कमी दुख का कारण है? क्या बच्चे कहना नहीं मानते ये दुख का कारण है? क्या संयोग साधन सुविधाओं की कमी दुख का कारण है? कोई व्यक्ति हमें सामने जवाब देता है, गाली देता है, क्या ये दुख का कारण है? और इन सारी बातों के पीछे यदि मैं किसी एक बात को कहूँ, शास्त्र का आधार और अपने तर्क अपनी युक्तियाँ अपना चिंतन, हम कह सकते हैं आकुलता दुख का कारण है। इन सब चीज़ों में एक कॉमन फैक्टर है जो हमें तकलीफ प्रदान कर रहा है, उसका नाम है आकुलता। वो आकुलता दुख का कारण है। यदि आकुलता दुख का कारण है तो ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें आकुलता हो रही है वो दुख स्वरूप है। और देखो कितना प्रैक्टिकल अनुभव में आती है बात कि जब आकुलता थोड़ी कम होती है तो हमें घर में शादी का आयोजन हो और बहुत भाग दौड़ लग रही है, इधर से उधर भाग रहे हैं, मेहनत उससे पहले कितनी टेंशन सब कुछ, और अभी सात फेरे हो गए और बेटी विदा हो गई और अब काम अभी भी है बहुत,
लेकिन अब आपको बताया वो हो जाएगा, ये होगा, जो होगा जाएगा, शादी शांति से निपट गई। माने आकुलता यदि थोड़ी बहुत भी कम होती है तो हम चैन का अनुभव करते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं गंगा जी नहाए, बहुत बड़ा काम हो गया, कितना फील कर रहे हैं आप, मतलब बहुत पीसफुल महसूस करते हैं आप अपने आप को। हम यही कह रहे हैं भाई, जहाँ आकुलता की थोड़ी बहुत कमी में ही आपको शांति का अनुभव होता है, तो जहाँ आकुलता 100% नहीं होगी वहाँ सुख कैसा होगा। दूसरी बात एक और है, यहाँ जो आकुलता की कमी दिखाई देती है वो किसी एक विषय संबंधी आकुलता की कमी है, दूसरी आकुलता बनी हुई, और फिर अभी आकुलता की कुछ मंदता और कमी हुई तो इस बात की गारंटी तो नहीं है ना कि अब आकुलता होगी नहीं, लेकिन आपको वहां मुक्ति अवस्था में ऐसी भी गारंटी दी जा रही है जिसके बाद में आपको आकुलता वापस होगी नहीं। अब बोलो मुक्ति चाहिए या नहीं? अरे साहब आप तो इस मुक्ति के चक्कर में सब घर गृहस्थी छुड़ाओगे हमारे, गृहस्थी में अब डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम है और वैराग्य बाद में उनको डिसीजन हम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। इनको ऐसे सबको ऐसे लगता है कि घर गृहस्थी में तो हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, वैराग्य के बाद में, दीक्षा लेने के बाद में, फिर हमारे डिसीजन, हम सब स्वतंत्रता है भाई। आप जिन डिसीजन की बात कर रहे हैं वो पराश्रित है, आप जिन डिसीजन की बात कर रहे हैं वो आपको ऐसे लग रहा है कि मकान में क्या तोड़ फोड़ करानी है, वो डिसीजन आपको ऐसे लग रहा है बच्चों के शादी विवाह संबंध कहाँ करने हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे कितना पैसा कहाँ देना है, कहाँ खर्च करना है, ये फ्रीडम की बात लग रही है, लेकिन वो परद्रव्य है, परवस्तु है, उसमें हमारी चलती नहीं है। असली फ्रीडम तो मुनिराजों की है, जहाँ हमारे को लग रहा है चार हाथ जमीन देख के चलना पड़ेगा, ओहो विधि मिलेगी तो हार लेंगे, नहीं तो क्या हुआ, पता नहीं कहाँ रहेंगे, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब परिस्थितियों के ऊपर मोहताज। अरे नहीं भाई, मुनिराजों का जीवन अत्यंत स्वाधीनता का जीवन है, जहाँ तुम्हें पराधीनता दिख रही हो हम वहीं स्वाधीनता देख रहे हैं, खाना हो तो खाए, नहीं खाना तो नहीं खाए, विधि मिल गई लेना हो तो ले और नहीं लेना हो तो विकल्प नहीं है, नहीं ले, ये स्वाधीनता है। जहाँ रुकना हो जहाँ रुके, जहाँ चलना हो वहाँ चले, कौन रोकने टोकने वाला, कौन रोके उनको, उनके ऊपर किसकी चलती है, ये स्वाधीनता है उनकी। डिपेंडेंसी तो रहती, कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना, आर के लिए डिपेंडेंसी है ना विहार के लिए डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी यदि माने अंदर में तो फिर दीक्षा की जरूरत नहीं है, फिर तो आकुलता उत्पादक है। हमने मुनि दीक्षा इसलिए नहीं ली, यह देख करके नहीं ली कि हमारे रोटियों की व्यवस्था होगी, ये तो पहले से ही निश्चित है कभी आहार नहीं भी मिलेगा, ये तो लेने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कभी अंतराय भी होगा, ये तो लेने से पहले सोचना चाहिए था ना कि कभी विधि नहीं मिलेगी, ये तो लेने से पहले सोचना चाहिए था ना कि जब मैं नग्न दिगंबर रहूंगा तो सर्दी गर्मी भी होगी, तूफान भी आएगा, तो लेने से पहले सोचना चाहिए था, ये बात का काम नहीं है, ये डिसीजन तो पहले है, 22 परिश्रमों को सहने की परिस्थिति बनेगी, ये पहले सोचना पड़ेगा। अब भोजन की अधीनता, अरे आत्मा के अतिंद्रिय आनंद का उपभोग करने वाले होते हैं, बाहरी भोजन में क्या दम है, बाहरी भोजन की परवाह नहीं होती, अरे बाहरी भोजन में तो दम कुछ नहीं है, ये तो जगत में पंचेंद्रीय विषय भोगों में फंसे हुए लोगों को, दुकान पर जब ग्राहक बैठा हुआ होता है तो भोजन भूल जाता है, जब पैसे के आनंद की संभावना होती है तो भोजन छोड़ देता है, एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ गया, 5 लाख की कमाई दिख रही है, वो इसी समय आ रहा है, शाम का भोजन का समय है, लेकिन क्या करूं बोलो, तो छोड़ देता है भोजन, उसको भूख नहीं लगती, फिर ये नहीं लगता कि मैं भूखों मर गया, क्या फर्क पड़ गया, क्योंकि वो रस दूसरा आ रहा है। अब जिनको आत्मा का स्वाद आ रहा, रस आ रहा, वो इस रस को चखे, मैं तो पंचेंद्रीय विषय भोगों वालों की बात कर रहा हूं, जगत में रचे पचे जीवों को भी भोजन की परवाह नहीं होती, तो जगत से अत्यंत निष्प्रह रहने वाली जिनकी वृत्ति है, जिनका जीवन इतना उत्कृष्ट है, जो क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन करते हैं, ऐसे मुनिराजों को
भोजन कुछ नहीं, ऐसा स्वरूप है ये मुक्ति। आप परवाह नहीं करें घर गृहस्थी का क्या होगा, आप विचार नहीं करें, विकल्प नहीं करें। जिन्हें घर गृहस्थी का विकल्प होता है वे मुनि नहीं बना करते, वे मोक्ष मार्ग पे कदम नहीं रखा करते ज्यादा तीव्र। हाँ, भूमिका अनुसार जब मोक्ष मार्ग शुरू होता है चौथे गुणस्थान में तो घर गृहस्थी के विकल्प भी होते हैं, जब कुछ और आगे बढ़ते हैं पंचम गुणस्थान में तब भी थोड़े बहुत विकल्प होते हैं, लेकिन जब भूमिका और आगे बढ़ जाती है तो फिर विकल्प नहीं होते। ये साहब आप इस मुक्ति के मार्ग के चक्कर में सब चौपट कराओगे हमारा, आप कर क्या रहे हो, सब चौपट हो जाएगा, घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी। लोग तो पहले ही कहते हैं ये लड़का हाथ से निकल गया, लोग तो पहले ही कहते हैं अरे यार इसको ज्यादा मत लगाओ ये तो छोड़ छाड़ करके निकल जाएगा, और आप यही बात कर रहे हो। नहीं भाई, अंतरंग श्रद्धान की बात है, बात तो अंदर श्रद्धा की है। जब अंदर में श्रद्धा मजबूत होती है तो ज्ञान सम्यक होता है, जब श्रद्धा और ज्ञान सम्यक होता है तो चारित्र निर्मल होता है। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र इन तीनों की दिशा एक ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रद्धा की दिशा इधर हो और ज्ञान इधर काम करे, श्रद्धा और ज्ञान एक तरफ चले और चारित्र इधर चले, ऐसा नहीं हो सकता है। घड़ी की तीन सुइयां है ना, एक सेकंड की है, एक मिनट की है, एक घंटे की सुई है, ये तीनों सुइयों की दिशा एक ही है, चाल अलग अलग। एक तेज चलती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी चलती हुई दिखाई न देवे कदाचित हिलती हुई दिख जावे, और तीसरी तो स्थिर दिखती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं चल रही है या नहीं चल रही, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है मोक्ष मार्ग की तरफ। श्रद्धा ज्ञान चारित्र का सम्यक परिणमन, ये बहुत सुंदर श्लोक कल इन्होंने यहां कहा था। मुक्ति का मार्ग क्या है, रत्नत्रय ही मुक्ति है, जगत से उदासीनता ही मुक्ति है, जगत के पदार्थों को देख करके भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना ही मुक्ति है, यही मुक्ति का मार्ग है। एक बार एक तोता पकड़ने वाला व्यक्ति जंगल में तोते पकड़ा करता था, एक बार उसके हाथ में जावत तोता हाथ आ गया, पैरट गुजराती में कहते पोपट, एक जाति होती है, बहुत छोटा था वो पहचान गया ये वो जाति है जिस जाति के पैरट कुछ समय बाद बोलने लगते हैं, मनुष्यों जैसे बोलते हैं, बातें करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, चर्चा करते हैं। बोले आज तो मज़ा आ गया, इसके बहुत अच्छे दाम मुझे मिलेंगे जब मैं इसे शहर में ले जाकर बेचूंगा। लेकिन जब वो शहर में ले गया बेचने के लिए तो किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, विश्वास नहीं किया, अभी तो बोल नहीं रहा, अरे महीने दो महीने बाद बोलेगा, कोई नहीं सुनी उसकी बात। राजा के पास में गया तो राजा ने स्वीकार कर लिया उसकी बात, ये ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे को मुंह मांगी रकम दूंगा, जितना तुम मांगोगे उतना दूंगा, लेकिन तुम्हें रोजाना राजमहल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, सिपाही निगरानी रखेंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसा नहीं हो कि तुम हमें धोखा दे करके चले जाओ। आज क्या मेरे को जिंदगी हो गई ये काम करते हुए, ठीक है कोई बात नहीं। उसको रकम दी, उसको खूब पैसा दिया, तोते को राजा के यहाँ राज दरबार में पिंजरे में लटका दिया गया। मैंने दो महीने बाद में बोलने लगा, मनुष्य जैसे बात करता था, हाय हेलो करता था, जयजिनेन्द्र बोलता था, आते जाते चर्चा करता था, कुछ भी राजा भी उससे कोई बात होती थी तो करता रहता था, और क्या हाल चाल है, कैसे हो, गुड मॉर्निंग, और इस तरह की बातें खूब होती थी। एक दिन क्या हुआ, नगर में एक मुनिराज आए, तो राजा जैन थे, राजा को जब खबर लगी तो राजा भी मुनिराज के दर्शन करने के लिए, राजा को लगा मुनिराज के दर्शन करने के लिए चलना चाहिए, और ये खबर तोते को भी लगी। राजा जब जा रहे थे तो जाते हुए राजा से उस पैरट ने एक बात कही कि राजन मुनिराज के पास में जा रहे हो, सुनाए कि हाँ हाँ कि एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। ये क्या प्रश्न है, बोले मुक्ति का उपाय क्या है,
मुक्ति का मार्ग क्या है, मुक्ति का उपाय क्या है, क्यों नहीं अवश्य पूछ लेंगे। राजन गए मनराज के पास में, मनराज बैठे हुए थे ध्यान अवस्था में, कुछ देर इंतजार किया, बैठे वहाँ ध्यान मुद्रा से उठे, जैसे ही निकले मनराज तो इन्होंने नमोस्तु कहा, उधर से आशीर्वाद दिया और फिर प्रश्न पूछ लिया कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसे वो है और उसने ऐसा प्रश्न पूछा है, कोई जवाब नहीं दिया मनराज ने, प्रश्न सुना और कोई जवाब नहीं दिया। जहाँ बैठे थे मानो वहाँ से नीचे उतरे और लेट गए, हो सकता है शायद उनके आराम का समय हो गया हो। राजन ने सोचा कि कोई बात नहीं, जवाब नहीं दिया, वापस लौट करके आ गया और वापस लौट करके जब आया तो आकर के उसने पूछा कि क्या हुआ, मेरे प्रश्न का कुछ जवाब। राजा ने पूरी बात बतला दी, वह ऐसा हुआ था और कुछ नहीं कहा, उधर ऐसे ऐसे उतर गए, लेट गए, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, शायद हो सकता है उनके आराम का समय हो गया हो, कल जाऊंगा तो फिर पूछूंगा। इतना कह करके राजा अपने अंदर महल में चला गया, तोता सोच गया। वो जहां पल्ले में झूल रहा था पिंजरे में, वहां से नीचे उतरा और नीचे उतरकर लेट गया। और जब वो तोता लेट गया क्या, तो सिपाहियों ने देखा कि ये तोता तो मर गया क्या। उन्होंने राजा को बुलाया कि महाराज आपने क्या सुना दिया, तोता तो मर गया। और ये जानकर उन्होंने सिपाहियों ने उस मरे हुए तोते को बाहर निकालने के लिए पिंजरा खोला और तोता तो उड़ गया। और उड़ते उड़ते उसने कहा, राजन मनराज ने मुक्ति का मार्ग बता दिया था, मैं तो समझ गया, आप समझे कि नहीं। राजा भी समझ गया और मैं भी समझ गया, आप लोग समझे कि नहीं। अरे यदि संसार के पिंजरे में रहना है, इस जेल में रहना है, तो मुक्ति का उपाय ये है, रहते हुए भी ऐसे रहो जैसे नहीं रह रहे हैं। सो जाओ इच्छाओं से, उनसे विरक्त हो जाओ, उनसे भिन्न हो जाओ, उनसे लिप्त मत हो। ऐसा लगे जैसे जगत से उदासीन है, ऐसा लगे जैसे जगत में रहते हुए भी जगत में नहीं रह रहे हैं। ये ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, ये ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हिम अमल है। ऐसी दशा होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की। भरत जी घर में ही वैरागी, क्या बात कर रहे हो आप, छह खंड के राजपाट के बीच में रह रहे हैं और तुम कह रहे हो घर में ही वैरागी, ऐसे कोई वैरागी होते हैं क्या? हाँ जी ऐसे ही होते हैं वैरागी। ये सम्यक दृष्टियों की अंतरंग दशा कैसी होती होगी ये कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टियों की अंतरंग परिणति, अंतरंग में तो सब कुछ बदल गया है और बाहर में कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा स्वरूप है। इस सम्यक दर्शन की महिमा गाते हुए ये कह रहे हैं यहाँ अमृत चंद्र स्वामी, 21 नंबर का श्लोक कल हमने पढ़ा, तत्रादौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले इस मुक्ति के मार्ग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, ये फर्स्ट स्टेप है मोक्ष के मार्ग का। बोले ज्ञान करें तो, बोले चारित्र करें तो, बोले तुम्हें करना हो जो करो, लेकिन ज्ञान और चारित्र सच्चे नहीं होते। सम्यक दर्शन के बिना, श्रद्धा मजबूत हुए बिना आपका ज्ञान भी सच्चा नहीं है और आपका आचरण भी सच्चा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने किसी भी चीज का त्याग किया हो और अंदर में उसका भरोसा नहीं हो तो वो त्याग सच्चा है? नहीं होगा कुछ भी। वो जो है ना अंजन चोर, क्या भरोसा था उसको, कट 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 चीका काट दिया क्या? और वो जो था पहले वाला जो बार बार उतरना चढ़ रहा था, उसे भरोसा था या नहीं था?
भरोसा नहीं था तो कर क्यों रहा था? कि कर तो रहा है, आया तो है, छीका लगा रखा है, नीचे तलवारें भाले लगे हुए हैं, तो खड़ा तो है, मंत्र भी बोल रहा है, लेकिन फिर डर रहा है, उतर रहा है, फिर दोबारा चढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसे भरोसा है या नहीं? भरोसा नहीं हो तो ऐसा काम क्यों करें? लेकिन फिर भी पक्का भरोसा नहीं है, काम तो भरोसे से होगा, श्रद्धा में कमी, इस श्रद्धा की सम्यकता ये मोक्ष मार्ग है। श्रद्धा के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। देखो आप पेज नंबर 27 मात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है भाई। सब शास्त्रों में क्या बातें कही है, आगम में क्या बातें कही है, अब हम पढ़ना ही नहीं चाहे, हम स्वाध्याय ही नहीं करना चाहे, हम ग्रंथों के हाथ ही नहीं लगाना चाहे, हम ग्रंथों के पेज ही नहीं बदले, तो फिर क्या होगा? फिर तो बस जो मन में आ रहा है वो चल रहा है, मन घड़ंत बातें चल रही। देखो, सम्यक दर्शन के बिना समस्त ज्ञान अज्ञान है और समस्त महाव्रतादिक महाव्रतादि रूप, जब महाव्रतादि शब्द का प्रयोग किया है तो अणुव्रत क्या लगते हैं? फिर तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग क्या लगता है? मनराज ने प्रतिज्ञा दिलाई रात्रि भोजन का त्याग करो, और इसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन मन में बार बार में आ रहा है यार इन्होंने प्रतिज्ञा तो दिला दी, अब मैंने प्रतिज्ञा भी ले ली, लेकिन आज के ज़माने में क्या ज़रूरत है इसकी, इतनी लाइट है, इतनी रोशनी है, अब ले तो ली प्रतिज्ञा, अब देखो विश्वास काम नहीं कर रहा है इसका, भरोसा नहीं है, तो प्रतिज्ञा किस काम की? किसी काम की नहीं, कुछ कीमत नहीं है उस प्रतिज्ञा की। ये महाव्रतादि रूप शुभाचरण मिथ्या चारित्र रूप ही रहता है, इसलिए सम्यक दर्शन की कीमत समझकर, सम्यक दर्शन की वैल्यू समझकर, सम्यक दर्शन की इंपॉर्टेंस समझकर, हे भव्य जीव, हे भव्य प्राणी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो। ये पहला कदम, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। कौन? सम्यक दर्शन। मैं नहीं कह रहा हूं, 200 साल पहले छेड़ाला और 1000 साल पहले अमरचंद्राचार्य यहां प्रस्तुत है। मोक्ष महल की कौन सी सीढ़ी? पहली सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, या बिन ज्ञान चरित्र, इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक ताला लहे, सच्चे नहीं होंगे। सो दर्शन, ऐसा सम्यक दर्शन, धारो भव्य पवित्र, हे भव्य जीव, उस पवित्र सम्यक दर्शन को अपने जीवन में धारण करो। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, आखिर ये सम्यक दर्शन होगा कैसे? बोलो, ये सम्यक दर्शन होगा कैसे? आखिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम करें कैसे? ये प्रश्न उठाया प्रवचनकार के सामने एक मुमुक्षु ने, यह सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है? बोलो, विधि बताओ सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, प्रक्रिया बताओ, हम सबका प्रश्न है ना, क्या हर आत्मार्थी का प्रश्न है, अरे साहब सम्यक दर्शन की कीमत महिमा तो बहुत सुनी है हमने, होगा कैसे ये बताओ आप, तो क्या करें, कितनी माला का जाप करेंगे सम्यक दर्शन हो जाए? पहले विधि पढ़ लें तो फिर करेंगे चर्चा। क्या माला का जाप करना है कि तीर्थ वंदना करनी है, मंदिर में जाकर के बैठना है क्या, के उपवास करने हैं, व्रतादिक का पालन करना है कि किस किस चीज़ का त्याग करना है, घर गृहस्थी छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, ये जो भी काम है संदर्भ करेंगे हम। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो उसका उपाय, सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का। ओहो, क्या करें, सबसे पहले तत्वाभ्यास, पहला काम तत्वाभ्यास। अभी तत्वाभ्यास की चर्चा करो समाज में लोगों से मोक्ष मार्ग के लिए, तो कहें काहे का तत्वाभ्यास, काहे का जीव अजीव आश्रम वंदे यार, काहे का लोग जाते हो, इसे पहले पहले तत्वाभ्यास, ये फर्स्ट स्टेप है। सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का। बोलो, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है, और तत्काल बाद में सम्यक दर्शन के बारे में कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो इसका तथा पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि, ये पर पदार्थ है और ये राग द्वेष आदि पर भाव हैं, इनमें पर बुद्धि और उनसे भिन्न अपने आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक अपने में अपनापन होने पर त्रिकाली आत्मा के सम्मुख होकर आत्मानुभूति प्रयत्न करने का उद्यम करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। खाली किताबें पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किताब पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, इस धोखे में मत रहना कि हमने दो किताब पढ़ ली, हमने चार किताब पढ़ ली, हमने 40 किताबें पढ़ ली, हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, अब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान से तो ज्ञान होगा, और कोई व्यक्ति बाह्य आचरण से सम्यक दर्शन माने तो उससे भी नहीं होगा। न ज्ञान से श्रद्धान होता है, न आचरण से श्रद्धान होता है, श्रद्धा से श्रद्धा होती है। और उस श्रद्धा के लिए ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं कौन हूं और पर कौन है, और पर भावों से अपनेपन की बुद्धि का त्याग किया, ये बहुत बड़ा काम है, साधारण नहीं है, ये बात अभ्यास की जरूरत है। जो काम जैसे होता है उसकी जो विधि होगी उस विधि से ही काम होगा भाई। कितने लड्डू खाऊं कि रसगुल्ले का स्वाद आ जाए, लड्डू खाने से नहीं आएगा। अच्छा, मक्खन बड़े खाने से तो रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा, तो आपके जयपुर के घेवर पीनी खाने से तो रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा, क्या करें बोलो। नहीं साहब, तो रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए क्या करूं, मैं तो तीन माला का जाप कर रहा हूं, हे भगवान रसगुल्ले का स्वाद आ जाए, हे भगवान रसगुल्ले का स्वाद आ जाए, हे भगवान रसगुल्ले का स्वाद आ जाए, अब अभी नहीं आएगा, क्या करें। खीर मालपुए उसे भी नहीं। अच्छा चलो, मैं डायमंड की अंगूठी पहनूं तो, और कपड़े लटके उतारूं तो, और एक टांग पे खड़ा हो गया मैं, अब तो रसगुल्ले का स्वाद आ ही जाना चाहिए। भाई साहब, हजार काम कर लो, आप रसगुल्ले का स्वाद तो रसगुल्ला खाने से ही आएगा। कुछ भी कर लो, रसगुल्ले का स्वाद तो रसगुल्ले के स्वाद से ही आएगा। इसी तरह से आत्मदर्शन सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। आत्मदर्शन तो आत्मदर्शन से होगा, जगत के किसी भी काम से आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। कि सब मैं समय सार पढ़ूं तब तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, कि समय सार पढ़ने से तो समय सार का अध्ययन होगा। बात कि साहब नियम सार पढ़ने से तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा, अरे उससे तो नियम सार का अध्ययन होगा। तो फिर शिखर जी की वंदना करने से उससे तो शिखर जी की वंदना होगी, आत्मा का श्रद्धान कैसे होगा। और समझ में आ रहा है क्या करें। जैसे मैंने रसगुल्ले के स्वाद की बात कही है, आप किसी भी जगह पर यह काम बात लगा सकते हो, किसी भी जगह पर लगा सकते हो। मुझे सांगानेर जाना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, सांगानेर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सांगानेर ही जाना पड़ेगा। नहीं दूसरा क्या करूं मैं बोलो, फ्लाइट की टिकट बुक करवाऊं तो सांगानेर पहुंचूंगा कि नहीं बोलो, ट्रेन का टिकट हो तो सांगानेर पहुंचूंगा कि नहीं, तो घर में क्या मिठाई बनवाऊं कि जिससे सांगानेर पहुंच जाऊं, कौन सा भोजन करूं, कौन सा त्याग करूं, कौन सी तपस्या करूं कि सांगानेर पहुंच जाऊं। कैसी बात कर रहे हो, दुनिया में तो सब समझ में आती है बातें, लौकिक में ये मोटी मोटी बातें सबके समझ में आती है कि तुम्हें जो काम करना है उस काम को करने के लिए वही काम करना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुझे दुकान खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, दुकान खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के सामने बैठूं मैं, हे भगवान मेरी दुकान खुल जाए, हे भगवान दुकान खुल जाए, तो क्या होगा। देखो लौकिक में सबको समझ में आ रही है सारी बातें, अब जब सम्यक दर्शन की चर्चा चलती है तो ये कहता तीन उपवास कर ले, तेला कर ले, सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे उपवास से तो उपवास होगा यार, या नहीं समझ में आ रही है बात। दशरक्षण जी के 10 दिन के उपवास किए तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे हो जाएगा। इतनी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आ रही है,
कि गुलाब जामुन खाने से रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता है, ये साहब ये तो समझ में आ रही है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं लगा रहा है? सम्यक दर्शन की विधि क्या है, ये विधि समझा रहे हैं, ये प्रक्रिया समझा रहे हैं सब। ये कुछ अद्भुत बातें हैं, और थोड़ी सी बातें, ऐसी बात नहीं कि किसी के समझ में नहीं आए, कोई बहुत गहरी बातें हो, मोटी सबके समझ में आने जैसी बातें, कौन नहीं समझेगा इस बात को? तो फिर आप शास्त्र पढ़ें कि नहीं पढ़ें ये बताओ, क्योंकि इससे नहीं होगा ना। अच्छा, रात्रि भोजन का त्याग करने से होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो फिर मध्यमास मधु का त्याग करने से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? उससे भी नहीं होगा। तो फिर सेवन करें? अरे जब हम कह रहे हैं उसके त्याग से ही नहीं होगा, तो सेवन से कैसे हो जाएगा? सुनिए, ये डेढ़ अकल क्यों लगाई तूने कि मुझे रात्रि भोजन करने की प्रेरणा दे रहे हैं? ये तो सदाचार है, ये तो श्रावकाचार है, ये तो जैनाचार है, ये तो जैनत्व का आचरण है, उसका तो पालन होना ही चाहिए। लेकिन ये कर लिया तो काम हो गया, इस धोखे में मत रहना। सम्यक दर्शन होगा तो उसके पहले रात्रि भोजन आदि का भी त्याग होगा, मध्यमास मधु आदि का भी त्याग होगा, अनिति अन्याय अवक्ष भी जीवन में नहीं होगा, ये मोटे मोटे पाप सप्त रसनादि भी जीवन में नहीं होंगे, ये सारी बातें तो होंगी। लेकिन इतना सब कर लिया तो कोई व्यक्ति समझे कि सम्यक दर्शन? नहीं भाई, तत्वार्थ श्रद्धा न है या नहीं है, तत्वों को जानता है या नहीं, तत्वाभ्यास करता है या नहीं, तुझे जीव अजीव आश्रम बंध संवर नजरा मोक्ष की खबर है या नहीं, फिर इन सात तत्वों में मैं कौन हूं ये बता। सात में से मैं कौन हूं? मैं मोक्ष हूं, मैं संवर नजरा हूं, मैं आश्रम बंध हूं, मैं अजीव तत्व, मैं तो जीव तत्व हूं ना। यदि मैं जीव तत्व हूं तो अजीव से भिन्न हूं, न केवल अजीव से भिन्न हूँ, आश्रम से भी भिन्न हूँ, क्योंकि वो तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है। आश्रम का मतलब क्या है? राग द्वेष आदि विकारी भाव, ये शुद्ध आत्मा की बात चल रही है। आश्रम तत्व राग द्वेष आदि विकारी भावों का नाम है, और जीव तत्व वो तत्व है जिस जीव तत्व में आश्रम तत्व नहीं है। जीव तत्व वो तत्व है जिस जीव तत्व में संवर और निर्जरा तत्व भी नहीं है। जीव तत्व वो तत्व है जिसमें मोक्ष तत्व भी नहीं है, क्योंकि जीव तत्व, यदि आपने जीव में मुक्ति मानी, यदि आपने जीव में संवर निर्जरा समझ लिया, जीवत्व में उसे मिला लिया, तो आपने सात तत्वों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया, खिचड़ी कर दिया, भिन्न भिन्न पहचानों को सही। तत्वाभ्यास करो, बैठ करके चिंतन करो, शांत चित्त से बैठकर हाथ पे हाथ धर के आंखें बंद करके विचार करो, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं वाले पाठ में भी हमने बात कही थी। ये विधि है, ये तत्वाभ्यास, ये पर पदार्थों में परत्व बुद्धि और अपने में अपनापन। अपने स्वरूप को जानेगा ही नहीं तो अपने में अपनापन क्या करे? हमने कहा नहीं सहा शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ने, हमें तो बस आपने सम्यक दर्शन की परिभाषा बतलाओ, आपने कहा ना अपने में अपनापन, अरे हमें अपने में बहुत अपनापन है। तो तू ये जहां हाथ लगा रहे हैं ना, यही तो मैं नहीं हूं, ये बात तुम्हें गुरुओं के उपदेश से सुननी पड़ेगी, ये बात वितरागी संतों के निर्देशन में चलकर के सीखोगे, ये बात आगम के आधार से पढ़ोगे समझोगे तो बात समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए गुरुओं की शरण में जाना, इसलिए शास्त्रों की शरण में आना, इसलिए शास्त्राभ्यास करना, जिससे कि हमें यह पता लग सके कि शास्त्र पढ़ने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ये कैसे पता लगेगा? ये शास्त्र पढ़ने से पता लगेगा। समझ में आ रही है बात? जिसका बाह्य जीवन उत्कृष्ट होगा उस जीव को परिणाम आएगा ये पढ़ने का। आप किसी शराबी कबाबी को पढ़ने की बात कहो उसको भाव ही नहीं आते, तो फिर आप कहोगे साहब इससे क्या संबंध है? अरे संबंध कैसे नहीं है, तेरा मन नहीं लगता है, तेरे उपयोग की स्थिरता के लिए, उपयोग की एकाग्रता के लिए ये बाह्य आचरण भी जरूरी है। लेकिन ये बाह्य आचरण जड़ की क्रिया है, ये समझ लेना, ये मुझसे भिन्न है। ये बात समझ में आएगी यहाँ सम्यक दर्शन। त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम, ये उपाय है।
आत्मा त्रिकाली, त्रिकाली मतलब तीनों काल है, आत्मा मतलब आत्मा की जो चर्चा है ये आत्मा का विशेषण दिया, त्रिकाली आत्मा, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। ऐसा नहीं है कि मेरा अभी जन्म हुआ हो 45 साल पहले, 42 साल पहले, 40 साल पहले, ये मेरा जन्म हुआ है ऐसा नहीं, और मैं मर जाऊंगा 10-20 साल में, ऐसा नहीं। मैं भूतकाल में भी था कि कब से, अनादि से, मैं वर्तमान में भी हूँ और मैं भविष्य में भी सदाकाल रहने वाला हूँ। इसका नाम है त्रिकाली, तीनों कालों में जिसका अस्तित्व है वो है त्रिकाली, ये त्रिकाली आत्मा। नहीं बढ़ रही है, घट रही है। आपको तो जनसंख्या मनुष्यों की गिनते हो आप, आपके घर में जो चींटियां मक्खी मच्छर है उनकी भी गिनती है क्या? जीव तो वे भी है ना, अवस्थाएं तो बदलती है, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े मनुष्य हो जाते हैं, मनुष्य मर करके त्रियंश में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, वहां से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से वहां चले जाते हैं। तो मेरे अपने को लगता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं घट रही है? लाखों लोग एक साथ मरते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, हजारों मनुष्य भी मरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये संख्या अपने एरिया की बात है, जो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना, आज हिंदुस्तान में 125 करोड़ हो गए, तो आपको जो ऐसा दिखाई दे रहा है ये सब जीव नहीं बढ़ रहे हैं। कोई भी जीव, कोई भी आत्मा ये नई उत्पन्न नहीं होती है। चलो, सम्यक दर्शन के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात कही है भाई, हम तो कई दिनों तक चर्चा करें सम्यक दर्शन की, ऐसा विषय है। या भी ज्ञान चरित्रा सम्यकता ना लहे, इसलिए सम्यक दर्शन की कीमत, इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक नहीं होते, सम्यक दर्शन के बिना। ये पहली सीढ़ी है, ये पहला कदम है, और सुनो, मोक्ष मार्ग के पहले कदम का मतलब समझते हो आप? धर्म की शुरुआत। मोक्ष मार्ग के पहले कदम का नाम है धर्म की शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट। धर्म कहां से शुरू होगा कि सब नमोकार मंत्र सीखो, धर्म कहां से शुरू होगा कि मंदिर आया करो, धर्म कहां से शुरू होगा कि कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को एक टाइम खाया करो, धर्म कहां से शुरू होगा बताओ? सम्यक दर्शन से, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बिना आपका ज्ञान, इसके बिना आपका आचरण, इसके बिना चारित्र, खूब पढ़ लो, पोथी पढ़ पढ़ भावरा पंडित भयान कोए, और ढाई आखर आत्म के पढ़े सो ज्ञानी होए। वो ज्ञानी खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, गुमर सार पढ़ लिया, समय सार पढ़ लिया, अरे कंठस्थ साहब आप नाम बोलो और हम गाथा सुनाते हैं। ढाई अक्षर पढ़े कि नहीं, आत्मा को पढ़ाया नहीं, आत्मा को जाना नहीं। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ने पहचाना। हम कैसा ज्ञान धारी कहें तेरे को? बहुत ज्ञानवान बना फिरता है, बहुत समझदार बना फिरता है। मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अपने आप को जानता है क्या? जो अपने आप को जानता है उसे ज्ञानी कहते हैं, जो अपने को नहीं पहचानता वो कैसा ज्ञानी है? वो क्या ज्ञानी है? बाहरी ज्ञान ज्ञान नहीं है, लौकिक ज्ञान ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान में क्या दम है? एक सूक्ष्म ज्ञान है जो लौकिक ज्ञान है, जो बाह्य पदार्थों का ज्ञान है। अरे ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, ज्ञान की निर्मलता चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। भेद विज्ञान को भी सम्यक दर्शन नहीं कहते, क्योंकि भेद विज्ञान ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसलिए भेद विज्ञान का नाम भी सम्यक दर्शन नहीं है। भेद विज्ञान नहीं, भेद विज्ञान विधि है, भेद विज्ञान का अभ्यास करो। भेद विज्ञान का अभ्यास करके क्या करना पड़ेगा? जब भेद जान लिया, निज को निज पर को पर जान, ये भेद विज्ञान का अभ्यास। फिर क्या करना है? निज को निज पर को पर जानने के बाद क्या करना है? निज में अपनापन और पर में परायापन, ये श्रद्धा है, ये सम्यक दर्शन। निज को निज और पर को पर जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जान तो लिया, जान लिया हमने, हम जानते हैं सब। अभी मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं कि ये कुर्ता कौन है, कि मैं हूं कि नहीं, कि नहीं ये तो जड़ है, ये तो अचेतन है, ये तो पुद्गल है, मैं तो भिन्न हूं इससे। अच्छा, और शरीर से? मैं शरीर से भी भिन्न हूं। जान तो रहे हो आप,
निज को निज पर को पर जान तो रहे हो, लेकिन निज को निज जान करके निज में अपनापन और पर को पर जान करके पर में परायापन, ये काम है। ये जो अपनापन है ये श्रद्धा का लक्षण है, ये जो प्रतीति है तन्मयता है ये श्रद्धा है। सम्यक श्रद्धा की बात चल रही है भाई, सम्यक श्रद्धा की बात चल रही है, स्वरूप समझना पड़ेगा। क्या तीसरी ढाल छेड़ावा की पूरी ढाल सम्यक दर्शन के स्वरूप के वर्णन के लिए समर्पित है, पूरी ढाल 17 छंद है तीसरी ढाल किसके लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। शास्त्रों को उठा करके देखो, सम्यक दर्शन के गीत गाए गए हैं, सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई गई है। सम्यक दर्शन जिसके जीवन में हो गया वहां मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, अनंत संसार का अंत आ गया, सम्यक दर्शन की प्रकटता हो गई है। अनंत संसार पंच परावर्तन कट करके इतना अल्प मात्र रह गए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, कर्मों की स्थिति, अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण उसके पहले ही रह गई है। कैसा स्वरूप है ये, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, ये मुक्ति का प्रारंभ। चौथे गुणस्थान से वहां चर्चा चल रही थी, श्रवण बेलगोला में विद्वत सम्मेलन था, सभी परंपराओं के विद्वान थे, सब को मानने वाले, सब तरफ के, टोडरमल स्मारक के भी थे, सांगानेर संस्थान के भी थे, शास्त्रीय परिषद के भी थे, विद्वत परिषद के भी थे, विद्वत महासंघ के थे, उनके थे ऋषभदेव विद्वत महासंघ के थे, 20 पंथी भी, 13 पंथी भी, सब पंथ सब संप्रदायों के सारे विद्वान। एक वक्ता ने मंच से बात कही, चौथे श्वेतंबर ने, सिर्फ दिगंबर जैन विद्वान, 500 विद्वान थे, एक वक्ता ने मंच से बात कही, चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष मार्ग शुरू होता है। अब कुछ लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए, कुछ विद्वान हैं हमारे सांगानेर से, वो खड़े हो गए, चौथे गुणस्थान से कैसे मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है, नहीं होता चौथे से, नहीं होता मोक्ष मार्ग शुरू, ऐसी कुछ बातें कहने लगे, हम तो कुछ नहीं बोले। तो एक बहुत अच्छे बुजुर्ग विद्वान हैं शिवचरण लाल जी, मैनपुरी के हैं शिवचरण लाल जी, ज्ञानमती माता जी के बहुत खास हैं, अच्छे भक्त हैं उनके, ऋषभदेव विद्युत महासंघ के हैं, और सब जितने विद्वान थे सब में वयोवृद्ध विद्वान, और सब उनको, उन्होंने कहा क्या बात करते हो, समझता नहीं है ये जो बालक जो प्रश्न कर रहा है, देखो इतनी सी समझ नहीं है, ये चौथे गुणस्थान से नहीं मान रहा है। शास्त्रीय परिषद के भी अध्यक्ष थे श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, उन्होंने कही चौथे गुणस्थान से सम्यक दर्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कई शास्त्रों के प्रमाण दिए, मानने को मजबूर किया। तो शिवचरण लाल जी क्या बोलते हैं मैनपुरी वाले, उन्होंने गजब की बात कही, उन्होंने कही मोक्ष मार्ग की शुरुआत पहले गुणस्थान से होती है, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, मोक्ष मार्ग की शुरुआत पहले गुणस्थान से होती है। मैंने कहा यार ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं, पहले गुणस्थान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, यहाँ तो चौथे से मानने को तैयार नहीं है, तो पहले की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा पहले से होता है, और बात उन्होंने सिद्ध की कि सुनो हम आपसे पूछते हैं, करण लब्धि के काल में कर्मों की स्थिति अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाती है, क्या वो करण लब्धि वाला जीव वो मोक्ष मार्गी है या नहीं, उसे मोक्ष मार्गी कहा है शास्त्रों में, ये करण लब्धि कौन से गुणस्थान में होती है, पहले गुणस्थान में, क्या चौथा हुआ नहीं है, वो करण लब्धि वाला जीव, क्या नया एंगल था, नई बात थी। जनातम में विविध विवक्षाएं हैं भाई, अपेक्षाएं बहुत है, अपेक्षाओं को समझ लो तो कोई झगड़ा नहीं है, और अपेक्षाओं को नहीं समझो तो कदम कदम पर झगड़े झगड़े। पहले गुणस्थान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, क्या बात कर रहे हो, क्योंकि करण लब्धि का काल वो काल है, वो समय है जिसके बाद में नियम से ये जीव सेकंड के अंदर अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला है, चौथा गुणस्थान होने वाला है उसका, नियम से वहां हो रहा है। और करण लब्धि वाला अधिक करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण की प्राप्ति के बाद उसके अंतिम समय, अरे आप सम्यक दर्शन चौथा गुणस्थान, तो चौथा नहीं वो करण लब्धि कौन सा गुणस्थान है ये बतलाओ, बोले पहला गुणस्थान है, तो मोक्ष मार्ग है या नहीं है, आगम की विवक्षा कही उन्होंने, सबने थालियां बजा दी, ऐसा
ये सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं हम। ये सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा, सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि क्या है, ये तो थोड़ी बहुत बात बतलाइए। हम क्या करें साहब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? बोले तत्वाभ्यास करो, बुद्धिपूर्वक क्या काम करें ये बात बतलाओ। बुद्धिपूर्वक तत्वाभ्यास करो, बुद्धिपूर्वक अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करो, बुद्धिपूर्वक अपने में अपनापन लाने का प्रयास करो, बुद्धिपूर्वक शास्त्रों के आधार से, जनवाणी के आधार से, आगम के आधार से आप ये जानो। आगम के आधार से आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मुझ में कौन से गुण हैं, अपने लक्षण को जानो, अपने लक्षण से अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, अपनी शक्तियों को जानो, अपने स्वरूप को जानो। जब अपनी शक्तियां अपने में देखेंगे, जानेंगे, तो अपने में अपनापन हुए बिना नहीं रहेगा, और जब अपने में अपनापन होता है तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का उपाय है। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, और सम्यक ज्ञान? बोले आज ही जानोगे सब, कल बताएंगे। मतलब सम्यक दर्शन का मतलब अपने शरीर आकार में रहना, कहीं नहीं जाना।